स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 8th का चैप्टर 1st द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के कुछ पैराग्राफ पढ़ लिए थे, जिसके हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि ऑथर लेटर पढ़ने के बाद फिर से उस एनवेलप में डाल देता है और अगली सुबह उसका एड्रेस का मकान ढूंढने के लिए ब्रिटपोर्ट निकल जाता है। वो ब्रिटपोर्ट जाके पता चलता है कि वो मकान पूरा जल चुका है और जो मिस मैकफर्सन थी उसको कहाँ रखा गया है, नर्सिंग होम में, और वो नर्सिंग होम में जाता है। तो हम आगे देखेंगे, द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। जो मिस मैकफर्सन थी, मिस मैकफर्सन, वो क्या थी, व्हील चेयर पर बैठी थी। ये देखो व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसकी गोदी में उसके हाथ रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू ए विस्पी बर्न। उनके बाल कहते से सिल्वर वाइट, सिल्वर यानी चांदी जैसे वाइट कलर के बाल, पिंस लगाई हुई थी इन टू अ विस्पी बर्न। ये देखो आपने विस्पी बर्न बना रखा है। विस्पी बर्न यानी क्या होता है, हल्के गुच्छे जैसे या जूडा बना रखा था। शी वॉज गेजिंग आउट द गार्डन, वो कहाँ देख रही थी, विंडो से बाहर जो गार्डन था उसको देख रही थी। गेजिंग देखना, हेलो आई सेड, मैंने उनको क्या बोला, हेलो बोला। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो घूमी और मेरी तरफ देखने लगी। वैकेंटली, वैकेंटली यानी बिना किसी भाव के एक टक देखना। हैप्पी क्रिसमस कोनी, उसने तभी लेखक ने बोला हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, मैं बोलता गया। आई फाउंड दिस, उसने लेटर बताया और कहा, और डिब्बा बताया ये रहा कि मैंने ये ढूंढा है, मुझे ये मिला है। आई थिंक इट्स योर, जो कि आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उनसे बात कर रहा था, मैं बता रहा था कि हैप्पी क्रिसमस ये मुझे मिला है, तो उनकी जो आँखें थी मेरे से हट ही नहीं रही थी, वो मुझे एक तक देख रही थी। आई ओपन्ड द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने जो टिन बॉक्स था, इसके हाथ में है लेखक के हाथ में जो टिन बॉक्स था, उसको खोला और उन्हें दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, उस समय उस क्षण उनकी जो आँखें थी लिट अप यानी बिकेम ब्राइट विथ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, यानी खुशी के मारे उसकी आँखों में क्या दिख रही थी, खुशी दिख रही थी, बहुत सारा उत्साह दिख रहा था। लिट अप विथ रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफर्स्ट विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, है ना, उनकी आंखें कैसे खुश हो गई, जैसे कि रिकॉग्नाइज यानी उन्होंने पहचान लिया था। एंड हर फेस जो था, उनका फेस जो था, बिकम सफर्स्ट यानी होता है अ ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस, यानी उनके पूरे चेहरे पर एक खुशी सी फैल गई थी, खुशी, बहुत खुश हो गए थे, स्माइल दिख रही थी उनके फेस पे। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने उन्हें समझाया, बताया अबाउट द डेस्क, कि मुझे ब्रिटपोर्ट में दुकान पे ये डेस्क मिली थी, उसमें मुझे ये लेटर मिला, ये सब बातें बताई। अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मुझे ये लेटर कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझे सुन ही नहीं रही थी, वो तो उसको बता रहा था कि ये, लेकिन वो उसे सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, शी सेड नथिंग, वो कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रॉक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स, स्ट्रॉक्ड यानी सहलाती रही द लेटर टेंडरली, हल्के हाथों से उस लेटर को ऐसे, क्योंकि लेटर उन्होंने ले लिया था, फिंगर टिप्स आपकी उंगलियों का जो फ्रंट पार्ट होता है बिल्कुल, तो वो जो फिंगर टिप्स थी उससे वो सहलाती रही उस लेटर को, उस पर हाथ घुमाते रहे। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से वो मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ लिया। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर, उनकी आँखों में क्या थे, टीयर्स यानी होता है आंसू। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, उसने क्या कहा कि तुमने मुझे बोला था कि क्रिसमस तक तुम घर आ जाओगे, एंड हियर यू आर, और यहाँ पर तुम आ गए हो, लेकिन द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन,
मेरे पास आओ जिम और बैठो। यानी उसने क्या सोचा, ओल्ड लेडी ने क्या सोचा कि ये कौन है, मिस्टर जिम मैकफर्सन है। तो उन्हें तो उनका पति दिखा उसमें, उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम आओगे और यही मेरा क्रिसमस का सबसे अच्छा प्रेजेंट है, तुम मेरे पास आओ और बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठा बिसाइड यानी पास में। एंड शी किस्ड माई चेक, उन्होंने मुझे किस किया, कहाँ पर, चेक पे, गाल पर। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, यानी मैं तुम्हारा ये जो पत्र है, जो लेटर है, वो मैं क्या बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, मैं रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं एक बार, मतलब है ना, एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू आर विथ मी, मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और अब तो आ गए हो तुम। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, यानी अब तो तुम आ गए हो तो तुम ये लेटर खुद ही पढ़ लो मेरे लिए। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, यानी तुम मेरे लिए पढ़ोगे क्या जिम डियर, जिम तुम मेरे लिए लेटर पढ़ोगे क्या। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, यानी मैं क्या आपकी आवाज़ फिर से एक बार सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच एंड देन परहैप्स आई विल हैव सम टी, मुझे आवाज़ सुनना पसंद है, तो तुम अगर मेरे लिए लेटर पढ़ोगे तो मैं तुम्हारी आवाज़ और सुन पाऊँगी, और फिर हम लोग क्या बनाएंगे, चाय बनाएंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मर्जीपन ऑल अराउंड, और मैंने क्या बनाया है, एक क्रिसमस केक भी बनाया है और मर्जीपन उसके चारों तरफ मैंने लगाई है, क्योंकि वो मिस्टर जिम मैकफर्सन को बहुत पसंद था। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मुझे पता है कि तुम्हें मर्जीपन कितना पसंद है। तो हमने क्या देखा कि जब लेखक उस ओल्ड लेडी के पास जाता है और बताता है कि ये लेटर मुझे मिला था और ये लेटर आपका है, और वो पूरा एक्सप्लेन करता है कि वो लेटर मुझे कहाँ से मिला था, तो जो ओल्ड लेडी है, मिस मैकफर्सन है, वो उनको नहीं सुनती, और फिर अचानक से उसे क्या करती है, अपना पति समझ लेती है कि मिस्टर मैकफर्सन जो थे, मिस्टर जिम मैकफर्सन, वो वापस आ गए हैं, और वो कहते हैं कि तुम बैठो मेरे लिए ये लेटर पढ़ो, मैं आवाज़ सुनना चाहती हूँ, और मुझे भरोसा था कि तुम आओगे, और यही मेरा सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, यही मेरा सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट है ना। और वो कहती है कि मैंने केक भी बनाया है तुम्हारे लिए जो कि तुम्हें बहुत पसंद है। अब ये जो पूरा चैप्टर है किसने लिखा है, माइकल मोरपर्गो ने लिखा है। तो यही जो है हमारे ऑथर हैं माइकल मोरपर्गो। कॉन्फ्रेंस इन चेक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। हु डी कॉनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, जो विजिटर था, जो ऑथर उनसे मिलने आया था, तो जो मिस मैकफर्सन थे, क्या समझा उन्होंने, उन्होंने समझा कि जो ऑथर है वो क्या है, उनका पति है मिस्टर मैकफर्सन। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो बताता है कि जो विजिटर था, जो ऑथर था, उसने Did not try to hide his identity, उसने अपनी identity, अपनी पहचान नहीं छुपाई थी। तो ये sentence जब हमने यहाँ पढ़ा था तो इसने बोला था कि I explained about the desk, about how I found it, है ना, और ये आपका letter है, ऐसा उसने जब बोला था, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। तो ये line है जो मैं बताती है कि उन्होंने तो अपना परिचय दिया था, लेकिन जो मिस मैकफर्सन थी उन्होंने सुना नहीं था। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने क्या देखा कि ऑथर एक ब्रिडपोर्ट में दुकान पे जाता है कबाड़ की, वहाँ से वो एक डेस्कटॉप रोल डेस्क लेके आता है, और उसमें क्या मिलता है उसको, एक दराज में उसको एनवलप मिलता है, एनवलप पे जो एड्रेस लिखा हुआ होता है उसको वो फिर सेकंड पार्ट में उसको वो ढूंढने निकलता है कि वो लेटर किसका है, वो लेटर पढ़ता भी है, लेटर में क्या क्या होता है, युद्ध के मैदान में किस तरीके से क्रिसमस सेलिब्रेट होता है उसके बारे में पढ़ता है, और फिर वो उस लेटर की जो एड्रेस होता है उसको ढूंढने के लिए निकलता है, मिस मैकफर्सन को ढूंढने के लिए निकलता है, और उसे वो नर्सिंग होम में मिलती है, और उसे वो लेटर देने जाता है
तो जब वो लेटर देने जाता है तो मिस मैकफर्सन को क्या लगता है कि ये मेरे हस्बैंड मिस्टर मैकफर्सन हैं जो मुझसे मिलने आए हैं।